आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है ईर्ष्या। जी हाँ, किसी की सफलता या सुख देखकर पहला भाव क्या जागता है हमारे हृदय में? किसी पुरुष को सुंदर पत्नी या किसी स्त्री को सुंदर पति प्राप्त होते हैं, बड़ा वाहन या कोई सम्मान प्राप्त होता है, तब हम अवश्य आनंद तो प्रकट करते हैं, किंतु क्या हृदय नहीं कहता ये सुख या सफलता अथवा ये वस्तु दूसरे को नहीं मिलती तो हमें सुख होता? उस सुख या सफलता पाने के लिए हमने कभी प्रयत्न भी नहीं किया। उस वस्तु की इच्छा तो दूर, हमने उस वस्तु का स्वप्न भी नहीं देखा, फिर भी मन ईर्ष्या से भर जाता है। हम दूसरों का दुख देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। हम अपना सुख भोगना छोड़ ईर्ष्या के कारण व्यर्थ ही दुख माथे पर उठा लेते हैं। तो ये ईर्ष्या क्या है जो बिना कारण हमारे सुख का भोजन कर जाती है? हम विचार कर रहे थे ईर्ष्या के विषय में। इतना तो हम जान गए कि ईर्ष्या हृदय का गुप्त भाव है। हम लाख समझते हो कि ईर्ष्या उचित नहीं, फिर भी ईर्ष्या जाग जाती है। उसको अंकुश में रखना भी असंभव सा है, क्योंकि निरंतर हृदय में रहती नहीं। ईर्ष्या से छूटने का केवल एक मार्ग है कि ईर्ष्या की जड़ से हम परिचित हो जाएं। इस रोग के लिए समझदारी से उत्तम कोई औषधि नहीं। तो ईर्ष्या क्या है, कहां से जन्म लेती है, क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जब किसी को कोई सुख, कोई सफलता या कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वास्तव में उसका जीवन बदलता है, समाज में उसका स्तर ऊपर उठता है। वस्तु छोटी सी ही क्यों ना हो, कम से कम लोग उसका अभिनंदन अवश्य करते हैं। कुछ समय के लिए वो निकट के समाज, परिवार या मित्रों की मंडली का केंद्र बनता दिखाई देता है, और ठीक उसी समय समाज, मंडली या परिवार की दृष्टि हम पर नहीं रहती। दुख का कारण यही है कि हमारा महत्व हमें कम होता दिखाई देता है। क्या ये सत्य नहीं? तो हमारा समाज, हमारी मंडली या हमारा परिवार हमारी तरफ देखना बंद कर कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगता है। यहीं से ईर्ष्या का भाव हमारे हृदय में जागता है। हमारे मन में सदा ही ऐसी इच्छा क्यों रहती है कि सब हमें ही देखें, कि अपने समाज के केंद्र में हम सदा बने रहें? समाज के केंद्र में बने रहने से प्राप्त क्या होता है? विचार कीजिए, जब तक समाज के केंद्र में हम हैं, हमें प्रतीत होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं, निकट के लोगों के लिए सार्थक हैं हम। वास्तव में हमारी सार्थकता, हमारा महत्व हम सदा ही दूसरों की दृष्टि से नापते हैं, किंतु समाज की दृष्टि में तो परिवर्तन होना ही है। समाज हमारी ओर देखे वो समाज का उपकार है, हमारा अधिकार नहीं। हमारी सार्थकता का प्रमाण जब स्वयं हमारे अपने हृदय से प्राप्त होने लगे, हम अपने जीवन से रस उठाने लगे, अर्थात जब हमारा हृदय आत्मविश्वास से भर जाए, तो ईर्ष्या का भाग अपने आप चला जाता है। ईर्ष्या वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हृदय में आत्मविश्वास के ना होने का प्रमाण भर है। विचार कीजिए।